हाय, मैं प्रशांत। आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा हो। सबसे पहला ये आपका वीक कैंडलस्टिक पैटर्न है, दूसरा ये आपका स्टैंडर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है, और तीसरा ये आपका स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो सबसे पहले हम इनको चार्ट पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पे ही बात खत्म नहीं होता, इसका प्लेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ पे फॉर्म होता है? सपोर्ट लेवल के पास फॉर्म होता है तब इसका इंपॉर्टेंस है, या फिर रेजिस्टेंस लेवल के पास फॉर्म होता है तब इसका इंपॉर्टेंस है, या फिर रेंज बाउंड मार्केट में फॉर्म होता है तब इसका इंपॉर्टेंस है। तो इसका इंपॉर्टेंस कब है वो भी हम फाइंड करेंगे, और उसके साथ साथ अगर आप इन सारे पैटर्न को देखो तो ये आपका थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा, यानी सारे पैटर्न में आपको थ्री कैंडलस्टिक भी दिखेगा। तो हम थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न को लाइव चार्ट पे आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन हमेशा ये सारा पैटर्न आपको तीन कैंडल में नहीं दिखेगा, कभी कभी ये पैटर्न आपको सिंगल कैंडल में भी दिख सकता है। तो सबसे पहले हम इन सारे पैटर्न को जैसा एज इट इज है वैसा फाइंड करेंगे, यानी थ्री कैंडलस्टिक के बेसिस पे फाइंड करेंगे, फिर हम इन तीनों कैंडल को ब्लेंड करके एक सिंगल कैंडल बनाएंगे, फिर हम उसको भी लाइव चार्ट पे चलेंगे। और यहाँ पे इन सारे पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के पीछे मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि हमें ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में कैसे हेल्प करता है, अल्टीमेटली इन सबको हम क्यों सीख रहे हैं, ताकि ये हमें ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में हेल्प करे। तो वही मकसद है कि ये ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में आपको कैसे हेल्प करेगा, कैसे ये आपके एक्यूरेसी लेवल को इंक्रीज कर सकता है, वही हमारा मकसद है, उसी के ऊपर हम फोकस भी करेंगे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और इन सबको समझते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ICICI बैंक के डेली चार्ट पे आ गए, देख सकते हैं ICICI बैंक का डेली चार्ट ओपन है, और ये जो पैटर्न हमें आइडेंटिफाई मिला वो आपके अगस्त के मंथ में ये हमने आइडेंटिफाई किया, अगस्त 2021। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फोटो भी दिख रहा होगा, ये वीक कैंडलस्टिक पैटर्न है। आपको एग्जैक्ट पैटर्न तो नहीं मिलेगा, लेकिन उससे मिलता जुलता मिल जाएगा। पहला आपका बियरिश कैंडल है, उसके बाद भी आपका एक बियरिश कैंडल है, उसके बाद छोटा सा एक बुलिश कैंडल बना है। तो यहाँ पे ये बनने के पीछे साइकोलॉजी क्या है, ये हमें क्या स्टोरी बता रहा है, ये तीन कैंडलस्टिक मिलके हमें कहना क्या चाह रहा, चलिए वो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले क्या था, मार्केट आपका अपसाइड मोमेंटम में था, यानी मार्केट आपका ऊपर की तरफ आ रहा था, और इस कैंडलस्टिक पे वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा था। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे सेलर्स मार्केट में एंट्री किए, और वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। उसके बाद वापस से सेलर मार्केट को नीचे की तरफ ले गए, और यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा गिरा है, लेकिन सेलर्स कंटिन्यू है। उसके बाद क्या हुआ, तीसरा कैंडलस्टिक आपका ग्रीन बना है। तो क्या ग्रीन कैंडलस्टिक यहाँ पे हमें इंडिकेशन दे रहा है कि वापस से यहाँ पे हमें बाई करना चाहिए? ये हमें बिल्कुल भी इंडिकेशंस नहीं दे रहा बाई करने का, ये हमें कहना क्या चाह रहा, सबसे पहले इसको समझिए। दो रेड के बाद तीसरा ग्रीन बनने का क्या मतलब है? अब यहाँ पे देखिए, जो लोग यहाँ पे सेल किए होंगे, यहाँ पे सेल किए होंगे, यहाँ पे सेल किए होंगे, या फिर दूसरा कैंडल ओपन होते ही सेल किए होंगे, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, क्योंकि मार्केट इससे पहले आपका अपसाइड मोमेंटम में था। तो जो लोग सेल किए हैं वो प्रॉफिट बुक कैसे करेंगे, वो आपको बाई करेंगे, और बाई करके क्या करेंगे, मार्केट से एग्जिट होंगे। तो यहाँ पे जो बाइंग हो रहा है, वो जो पहले सेल किए हैं वो बाइंग कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन लिमिटेड अपसाइड मूव जाएगा। और यहाँ पे देखिए, जो ये वाला रेड कैंडल है और ये जो ग्रीन कैंडल बना है, उसका बॉडी इसके हाफ से नीचे है, इस कैंडलस्टिक का हाफ ये बनेगा और उसका बॉडी उसके हाफ से नीचे है। तो पहला जो वीक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, उसमें जो पहला रेड कैंडल है उसको आइडेंटिफाई करना, और उसका ग्रीन बॉडी, जो लास्ट कैंडल ग्रीन बॉडी है, वो इसके हाफ से नीचे रहना चाहिए, या नहीं तो हाफ तक आ सकता है, हाफ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे सेलर्स बाई करके मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। तो अब ये कैंडलस्टिक हमें ट्रेडिंग डिसीजंस में क्या हेल्प करेगा, सबसे पहले ये हमें ट्रैप से बचाएगा। कैसे ट्रैप से बचाएगा, ये यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल होने के बावजूद भी क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपको बाई नहीं करना है। जो बाई करके आप ट्रैप में फंस सकते थे, वो आपको ट्रैप से बचा दिया। अब दूसरा डिसीजंस क्या है कि हम इसके बेसिस पे सेल कर सकते हैं। अगर ये कैंडलस्टिक फॉर्म हो गया है, ठीक है, ये पैटर्न आपका फॉर्म हो गया, और उसके बाद अगर रेड कैंडल फॉर्म होता है और वॉल्यूम जितना इस ग्रीन कैंडल पे, उससे ज़्यादा वॉल्यूम है रेड कैंडल में, तो फिर आप इस पैटर्न के बाद सेल साइड की तरफ भी जा सकते हैं, यानी इस पैटर्न के बेसिस पे आप बाई को अवॉइड कर सकते हैं और सेल साइड की तरफ जा सकते हैं, उसके बाद जो कैंडल फॉर्म होता है उसके बेसिस पे।
ये पैटर्न हमें कुछ नहीं बता रहा, ये पैटर्न हमें बता रहा है कि बायर्स ने थोड़ा सा दम दिखाया था, यानी जो लोग सेल किए थे वो यहाँ पे बाई करके निकले हैं। उसके बाद वापस से यहाँ पे अगर बायर्स एंट्री करेंगे तो प्राइस ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस रहता है कि सेलर्स ही मार्केट में एंट्री करते हैं। और इसके बाद आपका रेड कैंडल बना है, वॉल्यूम ज़्यादा है, उसके बाद देखिए प्राइस आपका यहाँ से नीचे की तरफ भी गिरा है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद अगर रेड कैंडल आता है विथ निगेटिव वॉल्यूम तो यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। तो ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में ये हमें हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल हेल्प कर रहा, ट्रैप होने से बचा रहा, बाय नहीं करना और सेल साइड की तरफ आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो दो डिसीजंस लेने में ये हमें हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे अब हमें स्टॉप लॉस क्या रखना है? इस कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, ये जो पैटर्न बना उसमें जो सबसे बड़ा रेड कैंडल है उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। और टारगेट प्राइस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 1% 2% या फिर जो भी आपको सुटेबल लगता है। अगला सपोर्ट लेवल यानी देख सकते हैं कैंडलस्टिक के बेसिस पे अगला सपोर्ट लेवल यहाँ पे है, तो इसके बेसिस पे आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। टारगेट सेट करने के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं कि कैसे आप अपना टारगेट आइडेंटिफाई करें, यानी तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए भी टारगेट को मॉडिफाई करते चल सकते हैं। तो ये पैटर्न पहला आपको समझ में आ गया, तो चलिए अब हम दूसरे पैटर्न पे आते हैं जहाँ पे हमें स्टैंडर्ड पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे अब हम HDFC बैंक के डेली चार्ट पे आते हैं। यहाँ पे भी देखिए आपका ये स्टैंडर्ड पैटर्न फॉर्म हुआ, ये कुछ ज़्यादा ही मिलता जुलता पैटर्न है। पहला रेड है, दूसरा रिजेक्शन फ्रॉम द बॉटम है, तीसरा आपका ग्रीन बना। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो ये ग्रीन कैंडल बना है वो इस वाले रेड कैंडल के हाफ से ऊपर दिखेगा। ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का यही तरीका है कि रेड कैंडल के हाफ को ले लीजिए और ग्रीन कैंडल जो बना है उसके हाफ से ऊपर जाना चाहिए। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लोज एवं हाफ ऑफ द रेड कैंडल। अब ये पैटर्न हमें क्या बता रहा? ये पैटर्न भी सेम दिखा रहा, प्राइस ऊपर की तरफ आया, यहाँ से नीचे की तरफ गया है। अब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रहा है क्या? पिछले पैटर्न में हमने देखा था शॉर्ट कवरिंग हो रहा था, यहाँ पे भी वही है क्या? यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग हुआ है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग होने के साथ साथ थोड़े बहुत बायर्स भी यहाँ पे एंट्री किए हैं। लेकिन अगर आप इस कैंडलस्टिक पे देखो वॉल्यूम आपको एवरेज जितना निगेटिव वॉल्यूम है उससे थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो यही दिखा रहा है कि बायर्स तो यहाँ पे एक्टिव हुए हैं, दम भी दिखाएं, लेकिन बायर्स में अभी उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके चले जाए। और ये एट द सेम टाइम ये भी दिखा रहा है कि बायर्स में इतना स्ट्रेंथ है कि मार्केट को गिरने से रोक सकता है। तो इस पैटर्न के बेसिस पे हमें ट्रेडिंग डिसीजंस कैसे लेना है, ट्रेडिंग में ये हमें कैसे हेल्प करेगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या कैंडल फॉर्म होता है? इसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है। अगर इसके बाद ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है तो हमें वॉल्यूम देखना, वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी यहाँ पे जितना वॉल्यूम है इसके बराबर होना चाहिए, नहीं तो आप देख सकते हैं कि इसके बराबर एटलीस्ट वॉल्यूम चाहिए। इससे कम वॉल्यूम अगर हमें मिलता है तो फिर जो भी कैंडलस्टिक बनेगा उस पर हम भरोसा नहीं करेंगे। ग्रीन कैंडल बना है लेकिन वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम बहुत कम है, यानी इसके बेसिस पे यहाँ पे हम बाय साइड की तरफ नहीं जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो सकते थे और बहुत सारे लोग ट्रैप हुए भी होंगे, लेकिन आप ट्रैप नहीं होंगे अगर आपको ये पैटर्न के बारे में आइडिया होगा तो, क्योंकि इस पैटर्न के बाद हम देखेंगे ग्रीन के अंदर बनाए और हम क्या खोजेंगे, वॉल्यूम खोजेंगे, जो कि हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिला और यहाँ पे ऊपर में आपको टेल भी दिख रहा है। तो ये पैटर्न आपको ट्रैप होने से भी बचा लिया। अगर यहाँ पे सपोज दैट आपका रेड कैंडल बन जाता और वहाँ पे वॉल्यूम हमें ज़्यादा दिखता, यानी इस टाइप का वॉल्यूम या फिर एटलीस्ट इस टाइप का वॉल्यूम दिखता, तो फिर हम यहाँ पे नीचे साइड की तरफ भी जा सकते हैं। ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, ये ना ही हमें बाई साइड की तरफ उतना हिंट कर रहा, ना ही हमें सेल साइड की तरफ उतना हिंट कर रहा, तो इसके बेसिस पे यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ भी जा सकते हैं। इसके बाद जो भी कैंडल फॉर्म होता है उसके बेसिस पे ये पैटर्न के बाद क्या कॉम्बिनेशन आता है, रेड कैंडल आता है विथ वॉल्यूम तो सेल साइड की तरफ जाएंगे, ग्रीन कैंडल आता है विथ वॉल्यूम तो हम बाई साइड की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अप साइड की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखती है, ज़्यादा दिखती है। यहाँ पे आप 60% चांस ले सकते हैं कि मार्केट आपका बाई साइड की तरफ जाएगा ये पैटर्न बनने के बाद, और 40% चांसेस रहता है कि मार्केट आपका सेल साइड की तरफ भी जा सकता है, यानी सेलर्स भी हावी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस पैटर्न के बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर इसका इस्तेमाल आप ट्रेडिंग में कर सकते हो। अब हम तीसरे पैटर्न पे आते हैं, लास्ट पैटर्न। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें TCS के डेली चार्ट में हमें ज़बरदस्त कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन मिला, यानी ये स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन मिला। इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ये वाला जो रेड कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग आपका ग्रीन कैंडल देगा। देखिए ये रेड कैंडल बना, उसके बाद ये आपका रेड कैंडल बना, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना जिसका प्राइस रेड कैंडल से काफ़ी ऊपर क्लोजिंग दिया है। ये पैटर्न आपको जब भी दिखे, कहीं पे भी दिखे, आपको क्या करना है,
बाई साइड की तरफ जाना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें वॉल्यूम पे भी गौर करना है। वॉल्यूम आपको एवरेज से ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा है। अगर वॉल्यूम यहाँ पे भी एवरेज से ज्यादा ना हो तो यहाँ पे भी हम बाई साइड की तरफ नहीं जाएंगे। इस पैटर्न को आप फिल्टर कर सकते हैं, एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हैं अगर वॉल्यूम के साथ कंबाइन करके यूज करते हैं तो। देखिए वॉल्यूम ज्यादा, एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम है, इसलिए इस पैटर्न के बेसिस बाई साइड की तरफ जाएंगे। और देखिए इसके बाद आपका प्राइस ऊपर की तरफ भी निकला। ये पैटर्न जल्दी फॉर्म नहीं होता, इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब भी आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे तो ये पैटर्न आपको ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको ट्रैप से बचाएगा, आपको प्रॉफिट बना के देगा, आपको नुकसान से भी बचा सकता है। ये आपको मल्टीपल तरीके से हेल्प करता है और आगे बता देगा कि मार्केट का मोमेंटम किस तरफ रहने वाला है। तो यहाँ पे अब हम स्टॉप लॉस क्या रखेंगे। देखिए अगला कैंडल आपका ग्रीन फॉर्म होते ही हम बाई साइड की तरफ जाएंगे। स्टॉप लॉस ये वाला जो कैंडल है इसका लोएस्ट पॉइंट, ये आपका स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा, बाकी आप एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद हमारा टारगेट प्राइस क्या होगा, अगर आप देखो तो प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देख लो, इसके बाद प्राइस आपका लगभग 3200 के लेवल पे, थोड़ा सा एक हर्डल दिखेगा, उसके बाद आपका 3300 के लेवल पे, तो ये दो आपका टारगेट प्राइस बन जाएगा। और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है आप अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के जरिए भी टारगेट इंक्रीज कर सकते हो। तो मल्टीपल तरीका है टारगेट फाइंड करने का, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, उस सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सारे पैटर्न को आइडेंटिफाई करके इसके बेसिस पे ट्रेड सेटअप तैयार कर सकते हो। अब कभी कभी आपको क्या होता है, ये तीन कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिखता है, ये तीन कैंडलस्टिक पैटर्न के जगह पे एक कैंडल बन जाता है, तो यहाँ पे हम इन तीनों कैंडलस्टिक को ब्लेंड करके भी देखते हैं एक कैंडलस्टिक जो फॉर्म होता है वो कैसा फॉर्म होता है, उसके बाद ये पैटर्न फाइंड करने में हमें और ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए वापस से हम तीनों पैटर्न को देख रहे हैं और तीनों पैटर्न को हम ब्लेंड करके एक वीडियो बनाएंगे। हमने कैंडल ब्लेंडिंग के ऊपर ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो इन तीनों कैंडल को हम ब्लेंड करके सिंगल कैंडलस्टिक कैसे बनाएंगे, पहले कैंडल का ओपनिंग पॉइंट यानी ये आपका यहाँ पे ओपन हुआ था, लास्ट कैंडल क्लोजिंग पॉइंट, क्लोजिंग यहाँ पे दिया है, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट हो गया, और ये जो कैंडल बनेगा आपका रेड कैंडल फॉर्म होगा और नीचे में आपको टेल यहाँ तक जाएगा, लोएस्ट पॉइंट आपका ये हो गया। तो इस तरह का कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ये रेड बॉडी आपको लंबा है और नीचे से प्राइस का रिजेक्शन भी दिख रहा है, नीचे से प्राइस का रिजेक्शन जरूर है लेकिन यहाँ पे हमें बुलिश साइन भी नहीं मिल रहा है। बुलिश तो है, बायर्स तो है, लेकिन बायर्स क्या है, कमजोर बायर्स है, यानी ये कैंडलस्टिक आपको ध्यान रखना है। तीनों को ज्वाइन करके हमने ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। अब यहाँ पे हम दूसरे पैटर्न को देखते हैं, इसमें भी प्राइस आपका यहाँ पे ओपन हुआ और क्लोजिंग आपका इसी लेवल के करीब दे दिया, ठीक है, ये भी आपका रेड कैंडल ही बनेगा और टेल इसमें और ज़्यादा लंबा होगा, ये आपका टेल बन जाएगा। ये दिखा रहा है कि हमें स्ट्रांग रिजेक्शन और प्राइस फ्रॉम द बॉटम, यानी ये आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव हिंट दे रहा है, लेकिन सिर्फ इस कैंडलस्टिक के बेसिस पे हम कोई ट्रेडिंग डिसीजंस नहीं ले सकते। इसके बाद जो कैंडल फॉर्म होगा उसके ऊपर हम आएंगे, बस आपको ये कैंडलस्टिक याद रखना है, तीन कैंडलस्टिक ज्वाइन करके एक कैंडल बनाए। अगला कैंडल को हम ब्लेंड करके बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्राइस आपका इस लेवल पे ओपन हुआ, ये ओपनिंग प्राइस होगा, क्लोजिंग प्राइस ये होगा, ये आपका ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके बाद टेल आपका यहाँ तक जाएगा। अब देखिए स्ट्रांग रिजेक्शन फ्रॉम द बॉटम है लेकिन कैंडल का कलर भी यहाँ पे आपका ग्रीन है, यानी ये पहला कैंडलस्टिक है जो कि आपको ग्रीन बना इन तीनों पैटर्न में। तो आपको तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है, रेड लॉन्ग बॉडी, रेड बॉडी है छोटा सा और यहाँ पे ग्रीन बॉडी है विथ स्ट्रांग रिजेक्शन फ्रॉम द बॉटम। तो आपको अगर बुलिश साइड की तरफ जाना है ये वाला कैंडलस्टिक आइडेंटिफाई करना। चलिए इन तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न को हम चार्ट पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम वापस से HDFC बैंक के डेली चार्ट पे आ गए और यहाँ पे आपको वो जो तीन कैंडलस्टिक का पैटर्न था, तीनों पैटर्न आपको सिंगल कैंडलस्टिक में दिख जाएगा। ये देखिए ये आपको यहाँ पे सबसे पहला पैटर्न दिखेगा जो आपका वीक पैटर्न है। यहाँ पे देखिए लॉन्ग टेल एट द बॉटम और बॉटम से प्राइस का रिजेक्शन भी हुआ है लेकिन जो रेड बॉडी है वो काफ़ी लंबा है और ये किसी भी कीमत पे हमें पॉजिटिव साइन नहीं दे रहा, ये ओवरऑल निगेटिव साइन भी दे रहा है लेकिन एट द सेम टाइम दिखा रहा है कि बायर्स में भी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ है लेकिन यहाँ पे बायर्स क्या है वो आपके कमजोर है, बायर्स वीक है यहाँ पे। तो पहला पैटर्न ये है, अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख जाए, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है लेकिन आपको माइंड में क्या याद करना, हमें ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा माइंड में आपको याद ये करना और इसके बेसिस पे जो हमें ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में हेल्प होता वो यहाँ पे भी हमें हेल्प मिलेगा। उसके बाद स्टैंडर्ड पैटर्न की बात करूँ तो वो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे रेड बॉडी आपको छोटा सा दिखेगा और लॉन्ग टेल एट द बॉटम, यानी यहाँ पे भी प्राइस रिएक्शन फ्रॉम द बॉटम हुआ है लेकिन एट द सेम टाइम
बायर्स यहाँ पे भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग कौन है? अभी भी सेलर्स ही मार्केट कंट्रोल किए और सेलर्स ही यहाँ पे स्ट्रांग है। इसके बाद देखिए प्राइस आपका एक रेंज पकड़ता है। मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, स्टैंडर्ड पैटर्न है, उसके बाद प्राइस आपका मैक्सिमम टाइम एक रेंज पकड़ता है, यानी इसके बाद आपका ऑलमोस्ट 60-70% टाइम क्या पकड़ता है, मार्केट आपका रेंज पकड़ता है। और यहाँ पे आपको एक और हेल्प मिल सकता है, जब भी आपको स्टैंडर्ड पैटर्न दिखे या फिर इस तरह कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे, प्राइस आपका एक रेंज में मूव करेगा। और इस टाइम पे आपको क्या करने से बचना है, इस टाइम में आपको कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस ये दोनों को बाई करने से भी बचना है, क्योंकि अगर आप कुछ भी बाई करोगे मार्केट एक रेंज पकड़ेगा आपका, इसका प्रीमियम और इसका भी प्रीमियम, दोनों का प्रीमियम डिके होगा, क्योंकि जो भी टाइम वैल्यू है वो खत्म होगा। इसलिए जब भी मार्केट आपका एक रेंज पकड़े, स्टैंडर्ड पैटर्न दिखे, तो उस टाइम पे आपको कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस बाई करने से बचना है, जब तक हमें कोई भी डायरेक्शन का हिंट और इंडिकेशंस ना मिल जाए। ये आपका एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। उसके बाद हम तीसरा पैटर्न को यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे ये तीसरा पैटर्न भी मिलता हुआ दिख रहा है, स्ट्रांग पैटर्न। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, स्ट्रांग रिजेक्शन ऑफ प्राइस फ्रॉम द बॉटम हो रहा, और यहाँ पे आपको ग्रीन बॉडी दिखेगा। पहला जो भी दो पैटर्न था सारे में रेड बॉडी था, और यहाँ पे ग्रीन बॉडी दिखेगा। जब भी ये पैटर्न दिखेगा इसके बेसिस पे आपको क्या करना, बाय साइड की तरफ जाना है, अगर वॉल्यूम आपको अच्छा खासा दिखे। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम हमें उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा, वॉल्यूम हमें इसके बराबर ग्रीन वॉल्यूम होना चाहिए था, तब हम बाय साइड की तरफ जाते हैं। यानी ये पैटर्न हमें दिखा तो है लेकिन ये उतना ज़्यादा बुलिश पैटर्न नहीं है। इसके बावजूद भी देखिए प्राइस थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे हम बाय साइड की तरफ नहीं जाएंगे। जो मैंने आपको बताया था कि हमें वॉल्यूम देखना है, वो चीज़ भी यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ये पैटर्न तो बना है, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको ये समझना, तीन कैंडलस्टिक बना है लेकिन वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम अगर इसके बराबर या फिर इसके बराबर रहता तो बाय साइड की तरफ जाते, यहाँ पे हम नहीं जाएंगे। प्राइस स्लाइटली ऊपर गया ली और नीचे की तरफ आया, मतलब यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस तरीके से आप इन सारे पैटर्न के बेसिस पे ट्रैप से भी बच सकते हैं। वॉल्यूम को आप अप्लाई कीजिए, उससे आपका और ज़्यादा फिल्टर हो जाएगा। सो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपका प्रॉपर आंसर किया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, ताकि इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आप तक रेगुलर बेसिस पे लाते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।